अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुसैन काजमी एच के मेन्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे देगी कोरमा, क्योंकि हमारी ईद करीब आ रही है और ईद स्पेशल है हमारी आज की डिश, तो आपके साथ शेयर करते हैं और अपनी डिश को शुरू करते हैं। हमने दही डाला आयल में और हम इस दही को थोड़ा सा पकाएंगे। मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन है और मैंने चिकन का कोरमा बनाया। आप सेम बीफ का कोरमा बना सकते हैं, कोशिश करें कि बीफ को पहले बॉयल कर लें तो बेहतर है। बाकी बिल्कुल तरकीब रेसिपी बिल्कुल इसी तरीके से है, स्टेप टू स्टेप आप फॉलो कीजिए। आप कोरमे की रेसिपी बना रहे हैं देगी कोरमे की, और आप बीफ यूज़ करें या चिकन यूज़ करें, सेम रेसिपी है। हम इसको दही डाला है आयल में और चिकन डाल के इसको भूनेंगे, और उसके बाद फिर जो भी स्पाइसेस जो भी मसाले डालेंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। व्यूअर्स, हमने दही आयल के अंदर डाली है, गोश्त डाला है और हम अभी हमने इसको ढक दिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे पानी खुश्क होगा दही का, और फिर हम इसको भूनेंगे। व्यूअर्स, हमने गोश्त को भून लिया है पानी डालकर, और अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्पाइसेस। हमने गरम मसाला, काली मिर्च और छोटी इलायची पीस के रखी थी वो डाली है, और साथ हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, 2 चम्मच के करीब हल्दी है वो डालेंगे। और साथ में डालेंगे कुटा हुआ धनिया, वो डालेंगे, वो तकरीबन 4 चम्मच है। और साथ डालेंगे इसमें व्यूअर्स कश्मीरी लाल मिर्च। यह कैसे हो सकता है मेरी रेसिपी हो और उसमें कश्मीरी मिर्च ऐड ना हो। यह तकरीबन 2 से 3 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च। और साथ डालेंगे इसमें 3 चम्मच तीखी लाल मिर्च। और हमारे पास पिसा हुआ रखा है खिशखाश, 1 चम्मच के करीब ये डालेंगे आप हमें से। ये हमने प्याज जो है पीस के रखा हुआ था कच्चा प्याज वो डाल दिया, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच है ये। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी आई है दही के साथ और सारे मसालों के साथ। हमारा आज पक रहा है देगी कोरमा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट डालना मत भूलिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा।
व्यूअर्स, ये हमने प्याज को ब्राउन करके ग्राइंड कर लिया था, ये भी हम शामिल करेंगे। व्यूअर्स देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, भुने हुए प्याज जो डाले हैं उससे और ज़्यादा और कश्मीरी मिर्च से और ज़्यादा बेहतरीन किस्म का कलर आया है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही भीनी भीनी मज़े की खुशबू है। व्यूअर्स आपको बता दूं, मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन लिया है और उसको मैंने 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक में मैरिनेट करके 2 घंटे पहले ही रख दिया है। उसके बाद हमने आयल में दही डाला है और उसमें चिकन को भूना है, उसी दही में चिकन गल गया है और हमने उसके साथ, आपने देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप जितने भी मसाले डाले हैं। और हमारा कोरमा अभी बिल्कुल तैयार है और बेहतरीन किस्म का कलर आया है। बस सिर्फ एक आध चीज़ और रहती है, वो हम इसमें डालेंगे और हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, ये सामने रखा है जायफल जलवत्ती, ये है, इसका तकरीबन आधा चम्मच है ये डालेंगे, बहुत ही ज़रूरी होता है कोरमे के लिए, खुशबू को देने के लिए। और साथ हमारे पिसे हुए स्पाइसेस हैं, दोबारा एंड में हम फिर डालेंगे ये। व्यूअर्स, 2 से 3, 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के डालेंगे, इससे कोरमे में बहुत ही मज़े की और भीनी भीनी खुशबू होती है। और व्यूअर्स, आखिर में हम इसमें डालेंगे बादाम, हमने इनको छील लिया है और इनको 2 पीसेस में काट लिया है, वो आखिर में हम डालेंगे। हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, देगी कोरमा बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है, देखें इसका कलर और इसका जायका भी बहुत मज़े का है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है बिल्कुल, देखें कितने मज़े का लग रहा है, बहुत ही लजीज, बहुत ही खुश शक्ल हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे स्टेप फॉलो कीजिए। घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट डालना मत भूलें और मुझे ज़रूर बताएँ कि मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या बनाऊँ। मैंने ईद के हवाले से रेसिपी बनाई है तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगेबान।